प्रियंका कक्कड़। प्रियंका, तो गठबंधन हो रहा है कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का, आप तैयार हैं? मानक जी सभी को नमस्ते। मानक जी, चर्चा चल रही है, बिल्कुल मीटिंग्स चल रही है, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, बट अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है और वो सिर्फ हमारी टॉप लीडरशिप कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज अच्छा ये है कि चर्चे हमारे ही हो रहे हैं। भाजपा के अंदर जो इतना इंटरनल रिफ्ट है हरियाणा में, उस पर भी चर्चे कर लेते हैं। उनके अपने जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने मना कर दिया कंटेस्ट करने से। उनके जो एमपी रह चुके हैं संजय भाटिया, उन्होंने मना कर दिया कंटेस्ट करने से। अनिल विज के बयान उठा के देख लीजिए क्या आ रहे हैं, लगातार हम देखते हैं। ये अभी राम नारायण सिंह, शायद मैं नाम गलत ले रही हो सकती हूँ, उन्होंने भी कह दिया टिकट नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूँ। मतलब आप बीजेपी के इंटरनल रिफ्ट देखिए। रोहन जी यहाँ कह रहे थे मैं मुद्दों पर बात करूंगा, आज सुबह का मुद्दा है 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स ने स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है हरियाणा में। ये इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं कि हरियाणा की सरकार इसराइल भेज रही है हमारे बच्चों को युद्ध में लड़ने के लिए? किस बात का समर्थन कर रहे हैं? इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा सांसद बलात्कारी और रेपिस्ट बलात्कारी और हत्यारा बुलाती है किसानों को? ये किस वर्ग से इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोट, मुझे समझ नहीं आता। इनका अहंकार देखिए, 10 से 5 पर तो लोकसभा में आ गए थे, फिर भी हमें अहंकारी बुला रहे हैं। मतलब अगर हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर भी करें तो भी इनको दिक्कत है। अच्छा। मुद्दों पे बात करिए रोहन जी को। अच्छा, आइए मुद्दों पे बात करें। जाट आपको वोट देंगे? ठीक है, अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था, लोकसभा में गठबंधन किया था, क्या मिला आपको? हरियाणा में आपको एक सीट मिली थी, क्या मिला आपको? दिल्ली में आपने गठबंधन किया था, क्या मिला आपको? गुजरात में आपने गठबंधन किया था, क्या मिला आपको? इसी तरह हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन कर रहे हैं, हम क्यों ना मान लें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? आपकी मर्जी, मान लीजिए। हमें पता है आम आदमी पार्टी इज अ ब्रांड, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी ग्लोबली। हमें पता है कि हमने 10 साल में कहां से कहां हम पहुंचे। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी कोई वादा कर दें तो वो गारंटी होती है। फ्री बिजली अगर कोई देता है तो आम आदमी पार्टी देती है। आम आदमी पार्टी इज अ वेरी सॉलिड ब्रांड नोन फॉर इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अब अगर हमें ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जैसी महाभ्रष्ट पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। इनके ऊपर आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू उठा लें। अच्छा, एक मिनट प्रियंका, प्रियंका इसी पे रहते हैं। ओके, इसी पे रहते हैं। अभी आपने अतुल लोंडे पाटिल को सुना, जो कि आपके पुराने गठबंधन के सहयोगी हैं, आगे भी हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अकेले हमारी 60 सीटें आ रही हैं हरियाणा में, और वो कह रहे हैं कि हम अकोमोडेट करके चल रहे हैं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। मैं साथ में लेकर चलने की बात कहा मानक भाई, वही मतलब, चलिए साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ साथ लेकर ये इसलिए चल रहे हैं। कोई बात नहीं अतुल जी, कटे दीजिए मानक जी को। मानक जी देखिए, मेरी इंटेंशन कोई लड़ाई करवाने की नहीं है, प्लीज चलने दीजिए मानक जी। ना मेरे लिए तो अच्छा है, बल्कि हम तो चाहते हैं देखिए, गठबंधन होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, भाजपा हार जाए ना। मतलब नहीं, हारे जीते कोई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन एक बात बताइए, हमारे साइड आ गए तो कितनी बड़ी जीत है हमारी। अरे रुकिए ना एक मिनट प्रियंका, लेकिन मानक जी जानते हैं कि आप साथ में आते ही दोनों बुरी तरह से हारोगे। मानक जी तो हमारी नहीं, नहीं, नहीं। अरे रोहन जी, आप बीजेपी के पास तो प्रवक्ता भी अपने नहीं है, उनकी ऐसी हालत है, क्या बोलवा रहे हैं? हम बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं, हम रहेंगे बिल्कुल। लेकिन प्रियंका, ओके जल्दी से रोहन, जल्दी से, आप बहुत सभ्य आदमी थे कुछ टाइम पहले, आपके शायद अनुराग दांडा की पार्टी में हरियाणा में उन्होंने ठीकरा कांग्रेस को वोट दिया था कि हमारी हार के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार। ओके, एक एक करके, ओके एक एक करके, वन बाय वन, ओके रोहन, प्लीज रोहन, एक सेकंड बंद करिए। प्रियंका बाउंसर आपके लिए भी, आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रियंका बाउंसर ये है कि अगर मान लीजिए हरियाणा में होता है गठबंधन, आपको 5-7-10 सीटें जो भी दी जाती हैं, तो दिल्ली में जो अगले साल चुनाव होगा उसमें आपको भी देनी पड़ेंगी रिस्पेक्टेबल सीट्स कांग्रेस को। देखिए, यू कांट ट्राई टू पुट seeds into my brain or you know things into my mouth or to please you to speak, ऐसा नहीं होगा। मैं आप बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट पत्रकार मानती हूँ मैं। देखिए, आपको भी पता है कि CEC की जो बैठक हुई वो हरियाणा चुनाव को लेकर हुई थी। आपको भी पता है अपकमिंग चुनाव हरियाणा का है, तो अभी हरियाणा पे बात हो रही है। और इसमें देखिए, मेरे को समझ नहीं आता रोहन जी इतना क्यों गठबंधन का हड़बड़ारी करें। मतलब इनकी देखिए, जब पिछली बार 10 सीटें आई थी लोकसभा में, तब भी
ये अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी भाजपा हरियाणा में, इनको जेजेपी का समर्थन चाहिए था। आज भी अब तो खैर जेजेपी को भी अब उनको सीक्रेटली समर्थन करना पड़ेगा, ओपनली तो कर नहीं सकते जो इन्होंने किसानों के साथ कर दिया उस वजह से शायद, बट आज भी अब जब 10 सीटें आई थी तब ये सरकार नहीं बना पाए, तो अब 5। अच्छा प्रियंका, ओके, जो मैंने सवाल पूछा ना आपसे, जो मैंने बाउंसर फेंका, मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल अतुल लोंडे पाटिल की भाषा में ही उस पर जवाब देता। जैसे अतुल जी ने कहा ना हमारी अकेले 60 आ रही हैं, मैं भी यही कहता अगर आपकी जगह होता तो। अरे दिल्ली में तो हमारी 67 आई, 62 आई, अकेले 70-70 हम जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे गठबंधन धर्म निभाने की, इनको साथ लेकर चलने की, अकोमोडेट करने की। मैं ये तो फुल टॉस भी हो सकता था, आपने छोड़ दिया प्रियंका। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब इसमें इसमें वी नो कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वी नो वेरी वेल। मैं तो चाहती हूँ आप ये डिबेट भाजपा के ऊपर लेके जाएं और उनसे पूछें, भाई तुम्हारे इंटरनल रिफ्ट जो कहानियां सुनने को मिल रही है वो तो आज तक नहीं मिली, तुम्हारा क्या होगा? तो वो चर्चा ही नहीं हो रही, वो हमारी थोड़ी सी राहुल गांधी की तारीफ ही कर देती प्रियंका। आप कह देती कि राहुल गांधी जी को धन्यवाद, हरियाणा के कांग्रेस के नेता तो गठबंधन करना नहीं चाह रहे, राहुल जी को थैंक यू, कम से कम शुरुआत तो कराई उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी का नाम आते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि केजरीवाल से उनका कंपटीशन है, इसीलिए राहुल जी की तारीफ नहीं करनी है। सही कह रहा हूं ना? ये सब आपके दिमाग में चल रहा है मानक जी, ये आपके दिमाग की वो उपज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टॉप लीडरशिप है दोनों, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, जो वो डिसाइड करेंगे वो कांग्रेस को मानना पड़ेगा, जो अरविंद केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे हमें मानना पड़ेगा, हम मानेंगे, मानना पड़ेगा नहीं, हम मानेंगे, बिकॉज दी ऑब्जेक्टिव इज कि देश में आज एक ऐसी सरकार है जिसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी संस्था को बदनाम कर दिया, खत्म कर दिया, एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट की तरह यूज किया, लोगों को जेल में डाल दिया, कोई उनकी महंगाई, आप महंगाई फिगर आंकड़े उठा के देख लीजिए, देश को बर्बाद कर रही है भाजपा, 200 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया भाजपा ने देश के ऊपर, आपको क्यों चाहिए ये सरकार? ताकि ये हमसे और टैक्स वसूल ले? जीएसटी के ना आंकड़े भी रिवील कर रहे हैं इस बार, पता है इनको कि लताड़ पड़ेगी जनता से, जीएसटी के आंकड़े रिवील कराइए रोहन जी से, बता नहीं पाएंगे। ओके हां रोहन, जल्दी से छोटा सा जवाब। मानक जी, जब हम लोग देखिए इसको ब्रेकिंग न्यूज बोल रहे, जो भी बोले, अभी जब डिस्कशन कर रहे हैं तब कांग्रेस के जो पंजाब के चीफ है अमरिंदर राजा, उन्होंने अभी वॉरिंग, उनका स्टेटमेंट आया है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी से हम गठबंधन कर ही नहीं सकते हैं, उन्होंने हमारे लोगों को हिरासत में लिया, हमको प्रताड़ित किया, ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। मुझे बताइए क्या हो रहा है ना, दोनों बैठे हमारे साथी भाई अतुल लोंडे हैं, प्रियंका जी, जरा इनके स्टेटमेंट भी तो बताइए। अतुल जी आप बता दीजिए अमरिंदर राजा सही है, प्रियंका जी आप बताइए, दो में से एक राव, राव इंद्रजीत सिंह का स्टेटमेंट बताऊं आपको? अभी ये स्टेटमेंट राव इंद्रजीत सिंह का स्टेटमेंट बताऊं आपको? रोहन जी कौन सही, राव इंद्रजीत सिंह का स्टेटमेंट सुना आपने? बताइए ना, अरे रोहन जी आप भाजपा से ना, राव इंद्रजीत सिंह मैं चैलेंज स्टेटमेंट पता है, प्रियंका जवाब दे रही है, स्टेटमेंट पता है। अरे स्टेटमेंट, अगर इनको स्टेटमेंट की बात करनी तो पहले अनिल विज के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, वो तो हरियाणा से ही है। राव इंद्रजीत सिंह की स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, वो हरियाणा से ही है। इनके बीजेपी प्रेसिडेंट हरियाणा, उनकी बात कर लेते हैं, वो बीजेपी के अंदर की बात कर रहे हैं, संजय भाटिया उनकी, उसके मुखिया ने आपकी पार्टी के खिलाफ, मैं तो आपके अपने अंदर की स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ सर, हमारे नेता, आप दो पार्टियों का छोड़ दीजिए, बात भी नहीं करेंगे आप, दो पार्टियों का छोड़ दीजिए रोहन जी, इतना उतावला नहीं होना है। अच्छा गठबंधन की बात रोहन जी, रोहन जी परेशान है कि नीचे कार्यकर्ता क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी के मिनिस्टरों के बयान की बात कर रही हूँ रोहन जी, मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए ना राहुल। अच्छा अब एक सेकंड रुक जाइए ओके, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा 10 सेकंड लीजिए अतुल लोंडे पाटिल, 10 सेकंड क्विकली अतुल लोंडे पाटिल, 10 सेकंड जल्दी हैं बताइए, महाराष्ट्र में जरा अमरिंदर राजा का बयान देख के बता, अतुल लोंडे पाटिल, अतुल लोंडे पाटिल, एक मिनट राहुल जी, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी ने सीधा वार किया है मोदी जी पर और देवेंद्र फडणवीस पर, यह कहा है कि स्टेनलेस स्टील का अगर पुतला होता हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारे अस्मिता का, हमारे गौरव का, आप कहां चले गए, का तो गिरता नहीं, गिरता नहीं, आप कहां चले गए रोहन जी, और जीएसटी हटाने के लिए लिखने वाले नितिन गडकरी थे। अच्छा एक मिनट, आप रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड, आप रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड।